जन सरोकार मंच की एफबी लाइव श्रृंखला में जन सरोकार मंच के साथियों ने और मेरे परिचित गुणीजनों ने मुझे भी अपना सहयात्री बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और थोड़ा सा विलंब हो गया उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। ये तकनीकी कुछ परेशानी थी और मैं सीधा अपनी कविताओं पर आता हूँ। जहाँ तक कविताओं की बात है, मेरा लेखन शुरुआत में शुरू हो गया था 68 से, उसके बाद 75 तक कंटिन्यू रहा। इस बीच बहुत अच्छी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में मुझे सम्मान मिला, स्नेह मिला, प्रकाशित हुई रचनाएं। उसके बाद काफी लंबा एक ऐसी अवधि गुजरी जीवन में कि मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन 90 का दशक जिंदगी में ऐसा आया कि फिर सरस्वती माँ की कृपा हुई और मेरे लेखन ने पुनः एक दिशा पा ली। तो मैं अपनी रचनाएं आपके सामने रखने की शुरुआत करता हूँ और सीधी बात ही करूँगा। उसके बाद आप लोगों से भी चाहूँगा कि जो भी हो सके आपका मार्गदर्शन, आपके सुझाव, मेरे लेखन के प्रति आपकी सोच जैसी भी बने, कृपया मुझे अवगत जरूर कराएं, क्योंकि इससे ही लेखन समृद्ध होता है। सिर्फ अपनी सोच से नहीं, हमें ये भी जानना चाहिए कि हम अपने लेखन में अपनी अनुभूतियों के साथ कितने जुड़े हैं और हमारा व्यापक दृष्टिबोध कितना व्यापक बन पड़ा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक आसान सी कविता के साथ, कि तुम्हारी याद में। कविता का शीर्षक है तुम्हारी याद में, कि चंद लकीरें हैं मेरे घर की दीवारों पर, चंद लकीरें हैं मेरे घर की दीवारों पर, तुम्हारे और मेरे बीच शब्दों का आकार देती चंद सांसें हैं, कि चंद लकीरें हैं मेरे घर की दीवारों पर, तुम्हारे और मेरे बीच शब्दों को आकार देती चंद सांसें भी हैं, महकी महकी तुम्हारी और मेरी खुशबुओं से रची, महकी महकी तुम्हारी और मेरी खुशबुओं से रची, कुछ रंग हैं धुले धुले से जो हमने अपनी खिड़की से उछाले थे, कुछ रंग हैं धुले धुले जो हमने अपनी खिड़की से उछाले थे, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, रंगीन अधजली मोमबत्तियां हैं, रंगीन अधजली मोमबत्तियां हैं, सूखे गुलाबों से सजा एक फूलदान भी है, सूखे गुलाबों से सजा एक फूलदान भी है, मुझे आश्वस्त करता है, मुझे आश्वस्त करता है कि अभी भी संबंधों का जल स्तर सूखा नहीं है इतना, मुझे आश्वस्त करता है कि संबंधों का जल स्तर सूखा नहीं है इतना कि याद आने पर, कि याद आने पर हम भीग भी ना सकें, आंखें अब भी भराती हैं, आंखें अब भी भराती हैं तुम्हारी याद में। ये मेरी पहली कविता थी जो आपके सामने रखी मैंने। इसके बाद दूसरी कविता है खिड़कियां। खिड़कियां कविता ऐसी है जो हमें कहीं विवश करती है कि हमारे जो रोशनदान थे, जिनसे हमें रोशनी और शुद्ध वायु मिलती थी, जीवन को एक प्रसंग मिलता था सोचने का, समझने का, उसमें बहुत सारी रुकावटें हमने ही पैदा कर दी हैं। तो प्रस्तुत है मेरी दूसरी कविता खिड़कियां। खिड़कियां तरसती हैं अब, खिड़कियां तरसती हैं अब हवा पानी धूप को, खिड़कियां तरसती हैं अब हवा पानी धूप को, चिड़ियों की फरफराहट को, आने उनके आने जाने और उनकी चींची की आवाज को, कि खिड़कियां तरसती हैं अब हवा पानी धूप को,
चिड़ियों की फड़फड़ाहट को, अपने आने जाने के उनकी चींची की आवाज को, पर अब बदल गए हैं चरित्र, पर अब बदल गए हैं चरित्र खिड़कियों के, वे अब दीवारों में बदल गई हैं, पर अब बदल गए हैं चरित्र खिड़कियों के, वे अब दीवार में बदल गई हैं, जो बाहर है, जो बाहर है उनमें अंदर झांकने का साहस नहीं है, जो बाहर है उनमें अब अंदर झांकने का साहस नहीं है, और जो अंदर हैं उन्हें बाहर से सरोकार नहीं है, और जो अंदर हैं उन्हें बाहर से सरोकार नहीं है, अंदर ही अंदर पनप रही है एक बदबूदार सीलन, कि अंदर ही अंदर पनप रही है बदबूदार सीलन, तुम चाहो तो सुन सकते हो मूक प्रलाप के साथ करीब आती मृत्यु का संगीत, तुम चाहो तो सुन सकते हो मूक प्रलाप के साथ करीब आती मृत्यु का संगीत, पर बहुत देर हो चुकी है, पर बहुत देर हो चुकी है, तुम पहचान नहीं पाओगे, पर बहुत देर हो चुकी है, तुम पहचान नहीं पाओगे हमारे और उनके बीच क्या क्या मर गया है, पर बहुत देर हो चुकी है, तुम पहचान नहीं पाओगे हमारे और उनके बीच क्या क्या मर गया है। खिड़कियां तरसती हैं अब, खिड़कियां तरसती हैं अब हवा पानी और धूप को। ये मेरी कविता खिड़की के प्रतीक के साथ जीवन के सारे मौलिक संदर्भों को जोड़ती हुई आपके सामने मैंने रखी। सुझाव आपके आमंत्रित हैं, जैसा भी आपको लगे, आपने संकोच पूरी निर्दयता के साथ अपनी बात कहें, ताकि मुझे बल मिलेगा, दिशा मिलेगी और मेरे लेखन को एक प्रखर लेखनी मिलेगी जी। तीसरी रचना है मेरी तुम्हें नाम से। तुम्हें जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, कि तुम्हें जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, उस भय से ही तो लड़ते रहना है। तुम्हें जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, उस भय से ही तो लड़ते रहना है अपने कुचले जाने तक। उस भय से ही तो लड़ते रहना है अपने कुचले जाने तक। तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो, तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो। मृत्यु शरीर की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु शरीर की इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की शब्द और गति की, मृत्यु शरीर की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की शब्द और गति की। निश्चित ही तुम्हारे रक्त की अनुगूंज पलाश सा मुखर ताप प्रदान करेगी, निश्चित ही तुम्हारे रक्त की अनुगूंज पलाश सा मुखर ताप प्रदान करेगी, और तुम्हारे शब्द एक सार्थक भाषा को जन्म देंगे, और तुम्हारे शब्द एक सार्थक भाषा को जन्म देंगे। समर्थ भाषा किसी संस्कृति को मरने नहीं देती, समर्थ भाषा किसी संस्कृति को मरने नहीं देती, तुम्हें भी नहीं। तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो। ये एक आह्वान था मेरा कि अगर गति का रुकना और गति की पहचान को जिंदा रखना है, इसको समझना है, तो हमें शब्द को गति देनी ही पड़ेगी, वरना तो हमारी मृत्यु का कोई अर्थ या जीने का कोई अर्थ कहीं सार्थक हो ही नहीं सकता। अन्य कविता है मेरी सूखे पत्तों का मौसम। सूखे पत्तों का मौसम आता है, ये जलवायु के हिसाब से नहीं, जीवन में भी आता है, तो आप सिर्फ एक संदर्भ ना लें, इसका पूरा पूरा संदर्भ अपने जीवन के पूरे जो आयाम है, अयनकाल है, उस हिसाब से लें। तो प्रस्तुत है मेरी कविता
सूखे पत्तों का मौसम, कि ठहरे हुए ऋतु चक्र का के ठहरे हुए ऋतु चक्र का वह अंश हूं मैं, जहां पसरा है सूखे पत्तों का मौसम, कि ठहरे हुए ऋतु चक्र का वह अंश हूं मैं, जहां पसरा है सूखे पत्तों का मौसम, मेरे आसपास ही पातहीन होते वृक्षों के साये में, मेरे आसपास ही पातहीन होते वृक्षों के सायों में समय संकेत चुन रही वामा, मेरे आसपास ही पातहीन होते वृक्षों के साये में समय संकेत चुन रही वामा अब स्पष्ट सुन रही है, कि समय संकेत चुन रही वामा अब स्पष्ट सुन रही है कि अनचिन्ही दिशाओं से उठता अभिशप्त छायों का कोरस, कि अब स्पष्ट सुन रही है कि अनचिन्ही दिशाओं से उठता अभिशप्त छायों का कोरस, इसी घटनाक्रम में वह देख रही है, इसी घटनाक्रम में वह देख रही है कि बस्ती के घरों की चौखटों पर अंकित, कि बस्ती के घरों की चौखटों पर अंकित स्वास्थ्य के चिन्ह पलटने लगे हैं, इसी घटनाक्रम में वह देख रही है कि बस्ती के घरों की चौखटों पर अंकित स्वास्थ्य के चिन्ह पलटने लगे हैं, उसके चेहरे पर ठहर गया है एक आश्वस्त भाव, उसके चेहरे पर ठहर गया है एक आश्वस्त भाव कि ये घुटन, ये बेचैनी, ये संतोष की परिणति, कि ये घुटन, ये बेचैनी, ये संतोष की परिणति बहुत संभव है रिश्तों की हरी धूप को झुलसा दे, कि बहुत संभव है रिश्तों की हरी धूप को झुलसा दे, निश्चित ही समय संकेतों का सत्य, निश्चित ही समय संकेतों का सत्य भयानक विद्रूपताओं की ओर इशारा है, निश्चित ही समय संकेतों का सत्य भयानक विद्रूपताओं की ओर इशारा है, लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ, लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ कि समय की स्लेट पर ऐसी कोई इबारत लिखी ही नहीं गई, लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ कि समय की स्लेट पर ऐसी कोई इबारत लिखी ही नहीं गई जिसे पसीने और रक्त से पहुंचा ना जा सके, लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ कि समय की स्लेट पर ऐसी कोई इबारत लिखी ही नहीं गई जिसे पसीने और रक्त से पहुंचा नहीं जा सके, समय सदैव साक्षी रहा है, समय सदैव साक्षी रहा है। इसी के साथ मेरी अन्य कविता है, ये कविता मेरी पुरानी है, पहले संकलन में छप भी चुकी है, लेकिन मेरे सब मित्रगण इसको बहुत पसंद करते रहे, इसलिए मैं आज नए मित्रों के बीच भी से रखने के लिए थोड़ा सा उतावला हूँ, तो इसको सुने आप। ये 97 में लिखी गई थी, जब वापस मेरे लेखन का वापस शुरुआत हुई थी दोबारा। इसका नाम है रोशनी का बंटवारा, इसका नाम है कविता का रोशनी का बंटवारा। कि अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है, अपने हाथों को अपनी शक्लों की पहचान दो, कि अमावस्या की रात है, अपने हाथों को अपनी शक्लों की पहचान दो, एक दूसरे का हाथ थामे इस अंधेरे के चारों ओर व्रत बनाकर बैठ जाओ, कि अमावस्या की रात है, अपने हाथों को अपनी शक्लों की पहचान दो, एक दूसरे का हाथ थामे इस अंधेरे के चारों ओर व्रत बनाकर बैठ जाओ, एकता को पहचानो, एकता को पहचानो, देखो अलाव में चिंगारियां हैं, देखो अलाव में चिंगारियां हैं, उन्हें हवा दो, देखो अलाव में चिंगारियां हैं, उन्हें हवा दो, रात कोक से जनेगी सूरज, रात कोक से जनेगी सूरज, पीड़ा श्राप मुक्त हो जाएगी, रात कोक से जनेगी सूरज, पीड़ा श्राप मुक्त हो जाएगी, आंगन आंगन पालने डलेंगे धाय माँ बलाएंगे, कि आंगन आंगन पालने डलेंगे धाय माँ बलाएं लेगी,
आशीष देगी इतना बड़ा होने की, कि आशीष देगी इतना बड़ा होने की, हरा रहने की। पर मित्रों एक बात का ध्यान रखना, पर मित्रों एक बात का ध्यान रखना, रोशनी का बंटवारा अपना करना। पर मित्रों एक बात का ध्यान रखना, रोशनी का बंटवारा अपना करना। ये थोड़ा सा मेरा एक संकेत है सभी के लिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप अपने कमेंट से नवाज रहे हैं, मैं बीच बीच में इसको इस लिंक को तोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए आपसे निश्चित रूप से विश्वास करिए जितने कमेंट्स मुझे मिलेंगे उन पर बाद में संवाद कर पाऊंगा, अभी आप रचनाओं का आनंद लें। दूसरी कविता है मेरी अनाम हिंसाओं के विरुद्ध। अनाम हिंसाओं के विरुद्ध, कि मैं तुम्हारे मौन को एक नाम देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मौन को एक नाम देना चाहता हूं। तुम्हारा मौन क्या इस सदी की मौन हिंसाओं को तर्पण है? क्या तुम्हारा मौन इस सदी की मौन हिंसाओं को तर्पण है? क्या तुम्हारा मौन विस्मृत हो चुकी सभी स्मृतियों को एक श्रद्धांजलि है? क्या तुम्हारा मौन विस्मृत हो चुकी सभी स्मृतियों को एक श्रद्धांजलि है? या फिर तुम स्वयं ही अंदर ही अंदर इतने एकाकी हो चुके हो, या फिर तुम स्वयं ही अंदर इतने एकाकी हो चुके हो कि अब कोई ध्वनि तुम्हारे अंदर की दीवार को भेद नहीं पाती है? क्या तुम इतने एकाकी हो चुके हो कि अब कोई ध्वनि तुम्हारे अंदर की दीवार को भेद नहीं पाती है? क्यों अजन्मे हैं तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के ढूंढ, क्यों अजन्मे हैं तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के ढूंढ? देखो जमीन कितनी भी ऊसर हो आंसुओं से भी सींची जा सकती है। देखो जमीन कितनी भी ऊसर क्यों ना हो आंसुओं से भी सींची जा सकती है। खुद को बांझ कहलाने के श्राप से मुक्त करो, खुद को बांझ कहलाने के श्राप से मुक्त करो, प्रतिध्वनियों को संवादी होने दो। खुद को बांझ कहलाने के श्राप से मुक्त करो, प्रतिध्वनियों को संवादी होने दो। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। दुर्भिक्ष इतना भी घना नहीं कि संवाद और संवेदनाओं से गुजर कर जाने वाली ध्वनि विस्तार न पा सके। दुर्भिक्ष इतना भी घना नहीं कि संवाद और संवेदनाओं से गुजर कर जाने वाली ध्वनि विस्तार भी न पा सके, और हम अपनी ही प्रतिध्वनियां और हम अपनी ही प्रतिध्वनि भी ना सुन सके। और अगर ऐसा कहीं कुछ है भी और अगर ऐसा कहीं कुछ है भी तो अपनी कुंठाओं के विरुद्ध संघर्ष करो, और अगर कहीं ऐसा कुछ है भी तो अपनी कुंठाओं के विरुद्ध संघर्ष करो। साथ ही इस भीड़ से अपेक्षा अनापेक्षाओं तक स्वयं को मुक्त करो, साथ ही इस भीड़ से अपेक्षा अनपेक्षाओं तक स्वयं को मुक्त करो। तुम सिर्फ वही सोचो वही करो वही कहो जो तुम कहना और करना चाहते हो, जो तुम कहना और करना चाहते हो। स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी और तुम स्वयं को अनाम हिंसाओं के विरुद्ध खड़ा पाओगे ये मेरी एक रचना थी अनाम हिंसाओं के विरुद्ध, क्योंकि हिंसाएं तो होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, लेकिन जो अनाम हिंसाएं हो रही हैं उनके विरुद्ध भी हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कोशिश भर की है।
दूसरी थोड़ी सी व्यंग्यात्मक रचना है मेरी, तमाशा। थोड़ी व्यंग भी है और थोड़ी सी रियलिस्टिक भी है, जो कि वर्तमान चल रहा है हमारा, कि लोकतंत्र सुविधाओं से भरी व्यवस्था है, कि लोकतंत्र सुविधाओं से भरी व्यवस्था है, जबकि समय हो तमाशा और तमाशाइयों का, जबकि समय हो तमाशा और तमाशाइयों का, तमाशबीनों का जमघट यह भी दर्शाता है कि लोग बेफिक्र और पूरी फुर्सत में हैं। तमाशबीनों का जमघट यह भी दर्शाता है कि लोग बेफिक्र और पूरी फुर्सत में हैं। अमन चैन है, भाईचारा है, सद्भाव सड़कों पर उतर आया है। तमाशबीनों का जमघट यह भी दर्शाता है कि लोग बेफिक्र और पूरी फुर्सत में हैं। अमन चैन है, भाईचारा है, सद्भाव सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में लोकतंत्र का नायक दोनों हाथों से लुटाता है आश्वस्त रहने का भाव, दोनों हाथों से लुटाता है आश्वस्त रहने का भाव, कि हमारा तमाशा तमाशबीनों को सही दिशा में ले जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का नायक दोनों हाथों से लुटाता है आश्वस्त रहने का भाव, कि हमारा तमाशा तमाशबीनों को सही दिशा में ले जा रहा है। तमाशा हर बार लोकतंत्र की रक्षा हेतु लोक लुभावन भाषा में संकल्पित दिखाई देता है, कि तमाशा हर बार लोकतंत्र की रक्षा हेतु लोक लुभावन भाषा में संकल्पित दिखाई देता है 5 वर्षों के लिए। सच में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुविधाएं तो बहुत हैं, पर पूरा देश इन तमाशाइयों के आगे तमाशबीनों से अधिक कुछ नहीं रह गया है, ये मेरी रचना थी, थोड़ी सा व्यंग भी है और थोड़ी सत्यपरक भी है। इसके साथ ही अब जो कविता आपके सामने आ रही है वो है कस्तूरी गंध। कस्तूरी गंध मैंने इसलिए लिखनी पड़ी मुझे कि ये जो पुरुष प्रधान हमारा कल्चर है और उसके बाद स्त्री विमर्श का बड़ा जोर शोर से मंचों पर आयोजन स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन मैं उसके विरुद्ध खड़ा होता हूं और अपनी कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। तो प्रस्तुत है आपके सामने कविता कस्तूरी गंध। उसकी सामाजिकता और संस्कारों के मापदंड कि उसकी सामाजिकता और संस्कारों के मापदंड तय किए जाने हेतु रचे गए चक्रव्यूह से वह आज तक बाहर नहीं आ सकी है चाहे उसने ऋतु चक्र के वैभव को अपने साथी के साथ जीते हुए न जाने कितनी बार सप्तपदी की पूर्णाहुति में स्वयं को होम किया हो। चाहे उसने ऋतु चक्र के वैभव को अपने साथी के साथ जीते हुए न जाने कितनी बार सप्तपदी की पूर्णाहुति में स्वयं को होम किया है, पर उसके प्रति रचे गए चक्रव्यूह से वह आज तक बाहर नहीं आ सकी पर वह उसके प्रति रचे गए चक्रव्यूह से वह आज तक बाहर नहीं आ सकी है। बड़े एहसानों के साथ तुमने दिए उसे खुली हवा में सांस लेने की आजादी कि बड़े एहसानों के साथ तुमने दी है उसे खुली हवा में सांस लेने की आजादी, एक बहती नदी में डूबकर नहा लेने की आजादी। सदियों से
अपनी ही कस्तूरी गंध को तलाशते शिकार हुए वह। सदियों से अपनी ही कस्तूरी गंध को तलाशते शिकार हुई है वह, फिर भी अपनी पूरी निष्ठा और जीवटता के साथ खड़ी है तुम्हारे साथ। फिर भी अपनी पूरी निष्ठा और जीवटता के साथ खड़ी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ा के बीच, तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ा के बीच उसका अंक सदा ही अनावृत हुआ है। तुम्हारे दुख और तुम्हारी पीड़ा के बीच उसका अंक सदा ही अनावृत हुआ है, पर तुम आत्मकेंद्रित, कब सोचोगे कि कस्तूरी गंध शिकार के लिए नहीं, पूरी तरह संरक्षित किए जाने के लिए ही जन्मी है। तुम कब समझोगे कि कस्तूरी गंध शिकार के लिए नहीं, पूरी तरह संरक्षित किए जाने के लिए ही जन्मी है। ये मेरी कविता थी कस्तूरी गंध। अब डिफरेंट शेड्स की कविताएं भी आपके सामने रखूंगा मैं, अब वो वक्त आ गया। इनके थोड़े तेवर अलग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। एक कविता है जिसका मैंने अभी कोई स्पेसिफाई नाम तो नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस कविता के माध्यम से जो बात कहना चाहता हूँ वह आपके सबके बीच में भी जाकर कुछ तो संवाद करेगी। कि व्यवस्था के कुचक्र से कुचले जाने के बाद भी, तुम अपने कटे हाथ लिए याचक की मुद्रा में अपनी अपनी दहलीज पर हो। कि व्यवस्था के कुचक्र से कुचले जाने के बाद भी तुम अपने कटे हाथ लिए याचक की मुद्रा में अपनी अपनी दहलीज पर हो। स्वयं को धिक्कारने का साहस कब जुटा पाओगे? सीधा प्रश्न है कि स्वयं को धिक्कारने का साहस कब जुटा पाओगे? देखो मिथ्या दर्प टूट रहे हैं, जाग रहा है आत्मबोध। देखो मिथ्या दर्प टूट रहे हैं, जाग रहा है आत्मबोध। यह सही समय है तलाश सकते हो आदमी होने के अर्थ। पर इससे पहले तुम्हें स्वीकारना होगा कि तुम्हारे सभ्य होने का इतिहास सिर्फ और सिर्फ पाखंड से भरा है। और हमें अपनी यात्रा की दिशा बदलनी ही होगी इस व्यवस्था के कुचक्र से कुचले जाने के बाद भी तुम अपने कटे हाथ लिए याचक की मुद्रा में अपनी अपनी दहलीज पर खड़े हो। ये मेरी एक कविता थी। एक बहुत विनम्र और बहुत ही नाजुक सी कविता है। इसमें जो मैंने काम लिया है वो एक बहुत नाजुक सी चीज से काम लिया है कि जीवन के लिए जो बहुत आवश्यक है कि जीवन को परिभाषित करती सदा विनम्र रहती हो, छुई मुई सी नन्ही कोमल हरी दू तुम्हें नमन करने का जी चाहता है। सुनो तुम्हारी तो जड़ें भी गहरी नहीं होती कभी ओस के वस्त्र पहनती हो
कभी ओस के वस्त्र पहनती हो, कभी सूरज का ताप सहते सहते झुलस जाती हो, कभी ओस के वस्त्र पहनती हो, कभी सूरज का ताप सहते सहते झुलस जाती हो, बच्चे बूढ़े युवा प्रेमी, कि बच्चे बूढ़े युवा प्रेमी तुम्हारे आंचल में बैठ कैसी स्निग्ध स्पर्श अनुभूति से भर जाते हैं, कि बच्चे बूढ़े युवा प्रेमी सभी तुम्हारे आंचल में बैठ कैसी स्निग्ध स्पर्श अनुभूति से भर जाते हैं। कितना अच्छा हो कि कितना अच्छा हो जीवन तुम जैसा, कि कितना अच्छा हो जीवन तुम जैसा हरित और स्निग्ध हो जाए, कितना अच्छा हो जीवन तुम जैसा हरित और स्निग्ध हो जाए। ये मेरी कविता थी। इसके साथ ही अब एक ऐसी कविता है जो थोड़ा सा आपका मनोरंजन कर देगी। इसका नाम है उत्कर्ष प्रेम का। जब मैंने यहां मित्रों को सुनाई थी तब भी बहुत लोगों ने आनंद लिया था इसका, लेकिन कविता अंत भी थोड़ा सा सोचने और समझने को विवश करता है। जिसे हम रोमांस की दुनिया कहते हैं उसके ऊपर एक प्रश्न भी लगाता है कि उत्कर्ष प्रेम का, कि गली के जिस मोड़ पर मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था, कि गली के जिस मोड़ पर मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था, बस्ती वालों ने वहां सिंदूर से मढ़ा एक पत्थर रख दिया है। कि गली के जिस मोड़ पर मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था, बस्ती वालों ने वहां सिंदूर मढ़ा एक पत्थर रख दिया है। सुना है वहां आपको कुंवारी लड़कियां मन्नत के दीप जलाती हैं। सुना है वहां आप कुंवारी लड़कियां मन्नत के दीप जलाती हैं। यह भी सुना है कि पत्थर बने इस देवता को, यह भी सुना है कि पत्थर बने इस देवता को सिर्फ अमलताश और पलाश के फूल ही प्रसन्न करते हैं। यह भी सुना है कि पत्थर बने इस देवता को सिर्फ अमलताश और पलाश के फूल ही प्रसन्न करते हैं। और हाँ, वो लड़का जो तुम्हें बहुत परेशान करता था वह उस स्थान का घोड़ला हो गया है। और हाँ, वह लड़का जो तुम्हें बहुत परेशान करता था वह अब उस स्थान का घोड़ला हो गया है। मंगल शनिवार प्रेम में विक्षिप्त हुई लड़कियों की झाड़फूंक करता है, कि मंगल शनिवार प्रेम में विक्षिप्त हुई लड़कियों की झाड़फूंक करता है। वियोग का नियोग ऐसा फलित होगा कभी सोचा नहीं था, कि वियोग का नियोग ऐसा फलित होगा कभी सोचा नहीं था। ये एक रचना थी जो जिंदगी में ऐसे भी दिन दिखाती है या मौके घटनाएं लाती है जो सारे परंपराओं को और सोच को बदल देने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह थोड़ा सा हम प्रेम प्रसंग की बात करें तो उसमें भी कई सारे मोड़ आते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी कविता है जो अलग तरह से लिखी गई है, आपके सामने है कविता, कि मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, ये तुम्हारा अधिकार है। कि मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, यह तुम्हारा अधिकार है, पर आंखों में घिराए बादलों को बरसने देना। मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, ये तुम्हारा अधिकार है, पर आंखों में घिराए बादलों को बरसने देना। मत पुकारो मुझे डूब जाने दो, मत पुकारो मुझे डूब जाने दो पहाड़ों के पीछे सूरज की तरह,
कि मत पुकारो मुझे, डूब जाने दो पहाड़ों के पीछे सूरज की तरह, पर मन के आंगन में, पर मन के आंगन में एक दीप जलाए रखी। कर लो बंद सभी खिड़कियां दरवाजे, कि कर लो बंद सभी खिड़कियां दरवाजे, पर हर आहट पर चौंक उठने की आदत बचाए रखना। कि कर लो बंद सभी खिड़कियां दरवाजे, पर हर आहट पर चौंक उठने की आदत बचाए रखना। किसी डूबती सांझ, किसी डूबती सांझ आ बैठे सगुन पंछी मुंडेर पर कभी, किसी डूबती सांझ आ बैठे सगुन पंछी मुंडेर पर कभी, भीगी पलकों में पिघलता प्यार लिए, कि भीगी पलकों में पिघलता प्यार लिए, निमिष पर देख लेना उसे, निमिष पर देख लेना उसे जैसा देखा करती थे तुम मुझे। कि किसी डूबती सांझ आ बैठे सगुन पंछी मुंडेर पर कभी, तो भीगी पलकों में पिघलता प्यार लिए, निमिष भर देख लेना उसे जैसे देखा करती थी तुम मुझे। प्यार में, प्यार में कौन कितना डूबा, प्यार में कौन कितना डूबा, कितना भीगा कितना सूखा रह गया। कि प्यार में कौन कितना डूबा, कितना भीगा कितना सूखा रह गया, कभी हिसाब ना रखने की आदत को बनाए रखना। कि प्यार में कौन कितना डूबा, कितना भीगा कितना सूखा रह गया, कभी हिसाब ना रखने की आदत को बनाए रखना। मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, मत दो अपनी पीड़ा को शब्द, पर आंखों में घिराए बादलों को बरसने देना। ये कविता थी, शायद अच्छी लगी हो आपको, क्योंकि जीवन में प्यार तो सभी करते हैं, और शायद है मैंने भी कभी कहीं प्यार को महसूस किया हो, ऐसा ही क्षण है। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है कविता का, फिर और फिर मैं वर्तमान में समकालीन स्थितियों में जुड़ता हूँ। कि तार्किक विरोध के लिए, तार्किक विरोध के लिए, कि तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की तलाश कर लें, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की तलाश कर लें जिन्होंने जीवन में प्यार किया हो। कि तार्किक विरोध के लिए अलग फलसफा है, कि तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की तलाश कर लें जिन्होंने जीवन में प्यार किया हो, प्यार के लिए जीना मरना सीखा हो, कि प्यार के लिए जीना मरना सीखा हो। वे जानते हैं कि वे जानते हैं लक्षित जीवन के अर्थ, कि वे जानते हैं लक्षित जीवन के अर्थ। प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, दोनों ही स्थितियों में अपेक्षित वेग समान रूप से गति करता है। कि प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, दोनों ही स्थितियों में अपेक्षित वेग समान रूप से गति करता है। तार्किक विरोध के लिए, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि जो उजालों का सम्मान करते हों, तार्किक विरोध के लिए जरूरी है कि जो उजालों का सम्मान करते हों पर रात के अंधेरों को धुतकारते नहीं हैं, पर रात के अंधेरों को धुतकारते नहीं हैं, सीमा पर खड़े सिपाही की तरह जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जिनके लिए सीमा पर खड़े हैं वे उनके लिए सोचते भी हैं या नहीं। तार्किक विरोध के लिए ऐसे लोगों की तलाश जरूरी है जो आक्रामक तो हो सकते हैं, कि तार्किक विरोध के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता हो सकती है, तलाश जारी है, जो आक्रामक तो हो सकते हैं पर उन्हें हिंसा से घृणा हो,
जो आक्रामक तो हो सकते हैं पर उन्हें हिंसा से घृणा हो, जो शब्द और कलम की ताकत से परिचित हों, जो शब्द और कलम की ताकत से परिचित हों, तार्किक विरोध के लिए ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत होगी कि तार्किक विरोध के लिए ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत होगी। मित्रों, जैसा भी लिखता हूँ आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसा लगेगा आपको, लेकिन अगर सकारात्मक सोच रखता हूँ तो मुझे लगता है कि सभी को तो खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मेरे भाई तो मुझसे संवाद तो कर ही लेंगे। अन्य कविता है मेरी, सुविधाओं से लब्ध जो भरपूर सुविधाओं में जी रहे हैं। थोड़ा सा इसमें व्यंग भी है कि सुविधाओं से लब्ध, सुविधाओं से लब्ध प्रतिष्ठित सिंहासन पर आरूढ़ हो तुम, कि सुविधाओं से लब्ध प्रतिष्ठित सिंहासन पर आरूढ़ हो तुम, फिर असमंजस में क्यों हो। सीधा प्रश्न है मेरा कि सुविधाओं से लब्ध प्रतिष्ठित सिंहासन पर आरूढ़ हो तुम, फिर असमंजस में क्यों हो। ये तो तुम्हारे गौरवपूर्ण जीवन का क्षण है, ये तो तुम्हारे गौरवपूर्ण जीवन का क्षण है, या फिर सुविधाओं और बाजार के बीच, या फिर सुविधाओं और बाजार के बीच खो जाने का संशय कचोटने लगा है, या फिर सुविधाओं और बाजार के बीच खो जाने का संशय कचोटने लगा है, जिस बाजार के विस्तार में तुमने सहयोग दिया, जिस बाजार के विस्तार में तुमने सहयोग दिया, वही बाजार अब तुम्हें ही खरीदने और बेचने में रत है, कि जिस बाजार के विस्तार में तुमने सहयोग दिया, वही बाजार अब तुम्हें ही खरीदने बेचने में रत है। तुम प्रतिपल बेचे और खरीदे जा रहे हो, तुम प्रतिपल बेचे और खरीदे जा रहे हो, अब तुम किसी के नहीं हो, अब तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है, अब तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है, बाजार के गर्भ से पैदा हुए उत्पाद हो, अब तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ बाजार के गर्भ से पैदा हुए उत्पाद भर हो, अब तो समझो कि अब तो समझो वस्तुओं में स्पंदन नहीं होता, कि अब तो समझो वस्तुओं में स्पंद नहीं होता, जीवन भी नहीं होता, कि अब तो समझो वस्तुओं में स्पंदन नहीं होता, जीवन भी नहीं होता, अब तो समझो। थोड़ा सा विलंब चाहूंगा, एक सेकंड का पानी पी लूं, आज्ञा से आपकी। जी हाँ, किसान के बारे में बहुत कुछ कहा गया, सोचा गया, किसान का दर्द जितना उसकी जमीन को लेकर है, उसकी फसल को लेकर है, उसके ही परिवार में दूसरा दंश है पलायन का, उसकी आंखें उससे दूर गए, उसके साथ उसके अंशों की प्रतीक्षारत भी रहती है। तो उसी सोच को लेकर थोड़ा सा मैंने लिखने का एक प्रयास किया है कि बूढ़े किसान का चेहरा, कि बूढ़े किसान का चेहरा, कि उसने देखे हैं न जाने कितने सूखे पत्तों के मौसम, कि उसने देखे हैं न जाने कितने सूखे पत्तों के मौसम, अकाल के भयावह दृश्य, कि उसने देखे हैं न जाने कितने सूखे पत्तों के मौसम, अकाल के भयावह दृश्य, उसने सुना है कि उसने सुना है हाड़ कांपती सर्दी में खेतों के पानी पिघलाते, खेतों को पानी पिलाते धौरों में कलकल बहते पानी का स्वर, उसने सुना है हाड़ कपाती सर्दी में खेतों को पानी पिलाते धौरों में कलकल बहते पानी का स्वर,
घास पूस के जलते अलाव के सहारे काटी है न जाने कितनी रात। उसने घास फूस के अलाव जलते अलाव के सहारे काटी हैं न जाने कितनी रातें। आज भी अपने कच्चे मकान के बाहर बैठा है बूढ़े किसान का चेहरा। आज भी अपने कच्चे मकान के बाहर बैठा है बूढ़े किसान का चेहरा। वह प्रतीक्षारत है अपनी तीसरी पीढ़ी को जो पलायन भर शहर गई है। अपनी तीसरी पीढ़ी का जो पलायन कर शहर गई है वह देख लेना चाहता है बसंत के आगमन के साथ पीली सरसों के लहराते खेत। वह देख लेना चाहता है बसंत के आगमन के साथ पीली सरसों से के लहराते खेत और सूर्य की किरणों से दमकती गेहूं की पकी बालियां और सूर्य की किरणों से दमकती गेहूं की पकी बालियां सूर्य के स्तवन के लिए फिर से खड़ा हो जाना चाहता है कि सूर्य के स्तवन के लिए फिर से खड़ा हो जाना चाहता है बूढ़े किसान का चेहरा। अब ये कुछ कविताएं हैं जो मेरी अंतिम पड़ाव में आ रही है। दो एक कविता है मेरी, अब अंतिम दो तीन कविताएं हैं जो आपके सामने रखूंगा आज के समय बद्ध प्रोग्राम में, कि आत्म स्वीकृति के लिए आखिर कब तक अपनी प्रशस्ति में सुनते रहोगे समूह गान। आखिर कब तक अपनी प्रशस्ति में सुनते रहोगे समूह गान और लिखवाते रहोगे इतिहास। आखिर कब तक अपनी प्रशस्ति में सुनते रहोगे समूह गान और लिखवाते रहोगे इतिहास। तुम पत्थर के बुत नहीं हो, तुम्हें देने होंगे समय को जवाब। तुम पत्थर के बुत नहीं हो, तुम्हें देने होंगे समय को जवाब। सच का प्रकाशन बंद करो या सलाखों में कैद करो। सच का प्रकाशन बंद करो या सलाखों में कैद करो। सब सच को दफन करने की ताकत किसी मिट्टी में नहीं होती। कि सच को दफन करने की ताकत किसी मिट्टी में नहीं होती। सच का चरित्र रक्त बीज का चरित्र होता है। कि सच का चरित्र रक्त बीज का चरित्र होता है। यकीन करो मृत्यु के बाद भी तुम्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यकीन करो मृत्यु के बाद भी तुम्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और अपनी सफाई में तुम्हारे पास ना स्वर होगा और ना भाषा। और अपनी सफाई में तुम्हारे पास ना स्वर होगा ना भाषा। बस मौन ही तुम्हारी आत्मस्वीकृति होगी। इसके साथ ही सुन लीजिए एक कविता है, और ये उसी तेवर की है जिस तेवर से मैं बहुत ज्यादा जीवन में जुड़ा हुआ हूं। कि ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज। कि ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज। उनके आसमान की आकाशगंगा भी अब रक्तिम हो उठी है। और चांदनी निर्वासित है उनके जीवन से। उनके जीवन में नहीं है फुर्सत अपने होने के अर्थ ढूंढने की। उनके जीवन में नहीं है फुर्सत
अपने होने के अर्थ ढूंढने की, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, एक सम्मानित जीवन के लिए, एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हो गया है, एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हो गया है कि अब उनकी पीठ पर उभरी इबारत को, कि अब उनकी पीठ पर उभरी इबारत को ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए, कि अब जरूरी हो गया है कि अब उनकी पीठ पर उभरी इबारत को ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए। तो ये मेरी रचनाएं आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। सभी मेरे मित्रों साथियों से फिर पुनः आग्रह है कि हमारा जनसरोकार मंच जो है उससे आप जुड़िए। जुड़ने का अर्थ यही है इस मंच से। इस मंच की कुछ विशेषता है जो मैं दो शब्दों में कह सकता हूँ कि इस मंच में कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, इस मंच के साथ कोई पदभार नहीं है। ये मंच सबके लिए खुला है। जो भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, विधा कोई भी हो, चाहे कला की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे लेखन की हो, आप सभी को सुंदर भविष्य और सुंदर लेखन के लिए दुआओं के साथ, इस विश्वास के साथ कि जीवन में फिर मिलेंगे और अच्छा ही करेंगे, मैं आज्ञा चाहता हूँ।